आप में से कई सारे लोग मुझसे कमेंट करके यही पूछते हो कि भाई मिनोक्सिडिल जब हम यूज करना शुरू कर देते हैं तो कुछ दिनों बाद हमारे सर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, तो हम कौन सा शैम्पू यूज करें और आप कौन सा यूज करते हो? तो ऑलरेडी मैंने पहले बताया हुआ है कि मैं कौन सा शैम्पू यूज करता हूँ, लेकिन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है मिनोक्सिडिल यूज करने के दरमियान तो आपको कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए, कौन सा शैम्पू आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप मिनोक्सिडिल का इस्तेमाल नहीं करते हो और फिर भी आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं चार शैम्पू के बारे में आपको बताने वाला हूँ। उन चारों शैम्पू में से दो शैम्पू आपको मैं बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन के लिए बताने वाला हूँ और दो शैम्पू आपको मैं बिल्कुल हार्ड कंडीशन में बताने वाला हूँ, जब भी आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो, बहुत ही ज़्यादा आपको डैंड्रफ का सामना करना पड़ रहा हो, अब आप उन दोनों शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो नॉर्मल कंडीशन में यूज करना है वो भी शैम्पू काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और सबसे पहले आप वो वीडियो देख पाएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लंबे समय से मैंने पतंजलि मिल्क प्रोटीन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आयुर्वेदिक चीज़ों पर मुझे काफ़ी ज़्यादा भरोसा रहता है। आयुर्वेदिक चीज़ों में क्या होता है कि अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है तो आपको नुकसान भी नहीं होता। या उसके बाद मैंने इंदुलेखा का इस्तेमाल किया था, जो मैंने काफ़ी मतलब कम समय तक किया था तो मुझे शैम्पू कुछ खास नहीं लगा था। उसके बाद हाल ही में मैंने अभी खादी का शैम्पू मंगवाया है जो कि काफ़ी अच्छा है, वो भी मतलब आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अभी मैं उसे यूज कर रहा हूँ और कंटिन्यू यूज कर रहा हूँ। तो फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जब भी कोई भी शैम्पू का इस्तेमाल करते हो आप अपने बालों के लिए, तो आपको मैं बता दूँ वीक में 2 से 3 बार, इससे ज़्यादा आपको शैम्पू नहीं करना है। नहीं तो आप में से कुछ लोग पूछते हो भैया रोज़ हम शैम्पू करना शुरू कर दें अपने बालों के लिए क्या? अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि मिनोक्सिडिल जब हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या हमें डेली शैम्पू करना चाहिए? मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें बता रखी हैं अपने चैनल पर, लेकिन फिर भी आप में से कुछ लोग पूछते हो। तो यार, मैं आपको बता दूँ कि डेली आपको शैम्पू नहीं यूज़ करना है, आपको वीक में 2 से 3 बार ही शैम्पू का यूज़ करना है। आप मिनोक्सिडिल डेली यूज करो, लेकिन आपको शैम्पू रोज नहीं करना है। अगर आपकी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है, आपको थोड़ी बहुत डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो आप शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने खादी के बारे में बताया, तो खादी शैम्पू आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये आपके हेयर फॉल को भी घटाता है और आपके डैंड्रफ को भी खत्म करता है और काफ़ी सारे और भी फायदे हैं। तो अगर आप इसकी पूरी वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी पहले से ही वीडियो बनाया है। तो दूसरा शैम्पू आप यूज़ कर सकते हो नॉर्मल कंडीशन में, पतंजलि का। जी हाँ फ्रेंड, आप पतंजलि का मिल्क प्रोटीन या पतंजलि का आप एलोवेरा, तो पतंजलि का एंटी डैंड्रफ भी शैम्पू भी आता है। तो पतंजलि के करीबन आपको 5 से 6 प्रोडक्ट मिल जाएंगे और सभी के सभी बेस्ट हैं, जिसमें मैंने 3-4 तो खुद से यूज किए हुए हैं और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक मैंने मिल्क प्रोटीन का इस्तेमाल किया है। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप मिल्क प्रोटीन शैम्पू का यूज कर सकते हो। तो यार देखिए, मैं आपको बता दूँ कि आप मिनोक्सिडिल जब भी इस्तेमाल करते हो तो आप जैसे अभी मोर या 5% में यूज कर रहा हूँ, तो इसमें एल्कोहल फ्री मिनोक्सिडिल है और आप हेयर फॉर यू, ये भी एल्कोहल फ्री मिनोक्सिडिल है। ये दोनों मिनोक्सिडिल का आप इस्तेमाल करते हो तो आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम वैसे भी कम होगी, होगी लेकिन आपको कम होगी। आप अगर आप अदर कोई मिनोक्सिडिल यूज करते हो या मिंटोप यूज कर रहे हो या फिर मोर या 5% से भी आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि मिनोक्सिडिल यूज करने से डैंड्रफ की प्रॉब्लम बढ़ती है, स्कैल्प में इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है। कोई सा भी मिनोक्सिडिल हो, आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ता है। आपको मैं जो दो शैम्पू के नाम बताने वाला हूँ, आपको बहुत ज़्यादा आपकी कंडीशन जब भी आपको लगे कि आपकी स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, आपकी स्कैल्प में बहुत ज़्यादा इचिंग वगैरह हो रही है, तभी आप इन दोनों शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हो। और वैसे भी अगर आपकी डैंड्रफ की समस्या नहीं खत्म हो रही है, अगर आप कोई शैम्पू यूज करते हो आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम खत्म होती है और कुछ दिनों बाद फिर से हो जाती है, तब आप इन दोनों शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी बेस्ट ऑप्शन रहेगा और डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड किया जाता है। सबसे पहला शैम्पू है सिबामिड, जो कि जर्मन ब्रांड का है और काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग वगैरह आपके स्कैल्प में हो रही है या आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम बार बार होती है, तो आप इस शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हो। आप देखोगे 2 हफ्तों में आपकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी, आपकी डैंड्रफ की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आप इन शैम्पू को जरूर एक बार इस्तेमाल करके देखिएगा, सिबामेड। आपको ये सभी शैम्पू के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो मैं सिबामेड शैम्पू के बारे में बता रहा हूँ। तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है तो आपके स्कैल्प को भी ना ही ज़्यादा आपको स्कैल्प को ऑयली होने देता है, ना ही ज़्यादा आपके स्कैल्प को ड्राई होने देता है, ये बिल्कुल आपके स्कैल्प को मेंटेन रखता है। तो आप एक बार जरूर इस शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो शैम्पू है वो है सेल्सन, ये भी आपके डैंड्रफ को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। आप देखोगे ये भी तकरीबन
एक से दो हफ्तों में आपकी डैंड्रफ के प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगा। तो सेल्सन का भी शैम्पू काफ़ी अच्छा है, ये भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है, तो आप इसको भी एक बार ज़रूर इस्तेमाल करके देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप इन दोनों शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मल कंडीशन है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत है, तो आप उन दोनों शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो बस यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।